हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसा काढ़ा जो सर्दी, बुखार या खांसी सभी में आराम देगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। हम लेंगे थोड़े से गिलोय के पत्ते, 6 से 8 लौंग, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा जो हमारे लंग्स के लिए एकदम बेस्ट है। अब हम लेंगे 2 नींबू का जूस और लेंगे तुलसी पत्ता 10 से 12, अब हम लेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और लेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, अगर आपके पास पाउडर हो तो आधा टीस्पून ले। अब लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और लेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और जिन्हें खांसी है वे अदरक का जूस और हनी मिलाकर ले सकते हैं। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें गिलोय के और तुलसी के पत्ते डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे अदरक, काली मिर्च, और अजवाइन, और डालेंगे लौंग, दालचीनी, और डाल देंगे 2 ग्लास पानी। अब इसे उबलने के लिए रख दें और 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें। बीच में आपको चलाना है और फिर बंद करने के थोड़ी देर पहले आपको हल्दी ऐड करना है। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर लें, आप चाहे तो छानने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा काढ़ा तैयार है, इसे दिन में 2 या 3 बार लेना है। इसे 1 कप में छान लें और 1 चम्मच नींबू का जूस मिला लें, आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये काढ़ा सर्दी, बुखार, खांसी या गले में खराश हो सभी के लिए लिया जा सकता है, इससे काफ़ी लाभ होगा। इतना ही नहीं, कोविड के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, और कोई बीमारी ना भी हो तब भी हम इसे 1 कप ले सकते हैं। तो चलिए आज से हम सब इसे रोज़ 1 कप पियेंगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।